Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your exercise 63. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 63 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट दिया है क्या करना है, आप देखिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या करना है, अब ऐड करना है. अभी हम लोग उसको पहले कि चेंज करना पड़े थे इसके प्रीवियस वीडियो में. अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करना है, उसका ऐड और ऐड करना और सब और इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में सबट्रैक्ट करना सीखेंगे. तो जैसे सिंपल हम ऐड करते हैं ना, उसी तरह इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो देखिए 8 और 7 कितना होगा, 15. 15 का क्या लिखेंगे, 5. हाँ, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा. 2 3 5 1 6 65, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे. उसी तरह मीटर वाला भी आप सॉल्व कर लेंगे. तो मीटर वाला भी एक बता देते हैं, देखिए 2 3 5 5 और 8 13. 13 का 3 1 कैरी, 9 1 10 1 11, 11 का 1 फिर 1 कैरी इधर चला जाएगा. और 1 2 3 3 4 7 1 8. तो इस तरह बाकी क्वेश्चन इसमें बी ए बी इसका सॉल्व कर लेंगे. अगर किलोमीटर का दिया है तो एक किलोमीटर का भी बता देते हैं, ये बता देते हैं 7 और 5 कितना होगा, 12 और 8 20 का 0 2 कैरी. फिर 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 नहीं आएगा, 9 में फिर 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 11. 1 हो गया, फिर 1 कैरी, 4 1 5 1 6. तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. अब देखिए यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ मीटर सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर को ऐड करेंगे फिर मीटर को ऐड करेंगे. एक इसको भी देख लेते हैं, देखिए 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 4 1 5 1 6 सेंटीमीटर हो गया. और मीटर का देख लेते हैं, 6 7 13 का 3 1 कैरी, 2 3 5 1 6. तो इसी तरह ये सब सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे. एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, सी 6 5 11 11 1 11 में 0 प्लस करेंगे तो 11 ही आएगा, 11 का 1 1 कैरी. 7 8 15 15 में 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 15 में 9 प्लस करेंगे तो आपका 24 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25, फिर 2 कैरी. 8 9 11 और कैरी ऐड करेंगे तो 13, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 13 का पूरा 13 नहीं लिखेंगे, 13 का क्या लिखेंगे, 3. हाँ, 1 कैरी, इधर इसके किलोमीटर के पास चला जाएगा. 8 3 11 1 12 12 का 2 फिर 1 कैरी. 6 और 8 14 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19 19 1 20 का 0 फिर 2 कैरी. 3 2 5 5 2 7. तो इस तरह इसको क्या कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे. एक्सरसाइज 64 देखते हैं. अब देखिए सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेम में से जाएगा नहीं जाएगा, इससे बोरिंग लेना पड़ेगा. तो ये 17 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 2. 17 में से 8 गया 9, बचे 2 में से 1 गया 1, तो 19. इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे. उसी तरह मीटर वाला है, फिर उसी तरह किलोमीटर वाला है, तो किलोमीटर वाला भी देख लेते हैं. सब में आप ए बी, इसमें भी ए बी, इसका भी ए और बी सॉल्व कर लेंगे. हम सी आपको बता देते हैं, 7 में से 9 गया नहीं जाएगा, फिर बोरिंग लेना पड़ेगा. 17 यहाँ बचेगा 5, 17 में से 9 गया 8 और 5 में से 3 गया. अब देखिए यहाँ पे अब मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया, तो पहले सेंटीमीटर फिर मीटर को सॉल्व करेंगे. तो देखिए एक क्वेश्चन इसको भी बता देते हैं, 2 में से 8 जाएगा नहीं, इससे बोरिंग लेंगे 12, यहाँ बचेगा 3, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, फिर 7 में से 8 नहीं जाएगा, इससे बोरिंग लेगा 17, यहाँ बचेगा 2, 17 में से 8 गया 9, 2 में से 1 गया 1. तो इस तरह इसको ए और बी इसका भी सॉल्व कर लेंगे. उसी तरह किलोमीटर और मीटर में है तो इसका भी ए बी सॉल्व कर लेंगे, इसका भी ए बी सॉल्व कर लेंगे और इसका भी ए और बी सॉल्व कर लेंगे. एक क्वेश्चन इसका हम बता देते हैं, और लास्ट 6 में से 8 नहीं जाएगा, बोरिंग लेगा 16, यहाँ बचेगा 5, 16 में से 8 गया 8, फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा, फिर ये बोरिंग देगा 15, यहाँ बचेगा 4, सॉरी यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 ही, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ 5 में 7 नहीं जाएगा. अब इससे बोरिंग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ बचेगा 2,
15 में से 7 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4। तो इस तरह यहाँ इसको भी क्या कर लेंगे आप, सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 65, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, इसको क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ए रोड ब्रिज ओवर ए रिवर इज 4 किलोमीटर 287 मीटर लॉन्ग। नदी के ऊपर एक रोड ब्रिज बना है जो इतने किलोमीटर और इतने मीटर क्या है, लंबा है। ए रेलवे ब्रिज ओवर द रिवर इज, और एक रेलवे ब्रिज भी बना है नदी के ऊपर, उसका जो लंबाई दिया है वो 3 किलोमीटर 624 मीटर लॉन्ग। ये है, ये रिवर के ऊपर रोड बना है और ये रेलवे ब्रिज बना है रिवर के ऊपर। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द टू ब्रिज, तो ये दोनों ब्रिज का टोटल लेंथ आपसे पूछा है। तो टोटल लेंथ कैसे निकाल लेंगे हम, ऐड करके ही निकाल पाएंगे। तो देखिए ये किलोमीटर मीटर, किलोमीटर मीटर, तो आपको किलोमीटर और मीटर का कॉलम ऐसे बनाएंगे, फिर फोर मीटर किलोमीटर को किलोमीटर के सामने और मीटर वाले को मीटर वाले सामने, 287 मीटर और 4 किलोमीटर हो गया। फिर उसी तरह इसका 624 मीटर और कितने किलोमीटर 3, और ऐड ऐसे कर लेंगे, 7 4 11 का 1 कैरी, 8 2 10 1 11, फिर 1 कैरी 2 6 8 1 9, और ये 4 3 7। तो टोटल मिला के कितना किलोमीटर, कितने मीटर हुआ उसका लेंथ, तो 7 किलोमीटर 911 मीटर। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह बी सेकेंड और थर्ड तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड में भी आपसे क्या पूछा है, टोटल लेंथ पूछा है, दोनों को प्लस कर लीजिएगा, मीटर और सेंटीमीटर कॉलम बना के कर लीजिएगा। और थर्ड में क्या दिया है, माधव इज़ 1 मीटर 85 सेंटीमीटर टॉल, माधव जो है 1 मीटर 85 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। हिज डॉटर इज़ 1 मीटर 57 सेंटीमीटर टॉल, और उसकी जो डॉटर है वो इतने मीटर इतने सेंटीमीटर टॉल है। हाउ मच टॉलर इज माधव देन हिज डॉटर, माधव जो है अपनी डॉटर से कितना बड़ा है, वो आपको कितना लंबा है वो निकालना है। तो माधव में से इसके डॉटर वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो मीटर और सेंटीमीटर कैसे कॉलम बनाइएगा, ए 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, फिर 57 सेंटीमीटर और 1 मीटर, फिर क्या कर लेंगे माइनस करके निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 66 देखते हैं। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करना, अभी तक ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर बाई 4, 15 सेंटीमीटर को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ऊपर सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे 15, और 4 से क्या कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 20 का 0 2 कैरी, 4 1 4 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे कॉलम में अरेंज करके फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम में ऑलरेडी अरेंज है, तो इसको भी उसी तरह क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इसका कर लेंगे, इसका भी ए बी, इसका भी ए और बी सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन किलोमीटर वाला देख लेते हैं, 3 7 21 21 का 1 2 कैरी, 3 2 6 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, और ये किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख देंगे। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है मल्टीप्लाई, ए बी इसका भी कर लेंगे, 6 का भी ए बी सॉल्व कर लेंगे, और 7 का भी ए और बी सॉल्व कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन बता देते हैं, देखिए 4 का 4 से 4 जा 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 7 जा 28 21 में प्लस करेंगे तो 29 का 2 कैरी, 4 4 जा 16 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1896 मीटर। अब यहाँ देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया है, तो पहले सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर मीटर से। तो देखिए 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 4 1 5 हो गया, फिर ये हो गया सेंटीमीटर में, और इसका इससे 4 2 जा 8 8 मीटर।
ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी भी देख लेते हैं। 36 से क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 3 कैरी, 6 का टेबल 2 टाइम्स फोड़ेंगे, 6 12 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, 15 क्या क्या लिखेंगे 5, 1 कैरी मीटर के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर 6 2 12 12 1 13 का 3, फिर 1 कैरी इधर चला जाएगा, फिर 6 6 1 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 73 मीटर 56 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो ए सॉल्व कर लिया हम, बी इसका बताते हैं। 7 2 14 14 का 4, 1 करी 7 7 1 प्लस करेंगे तो 8, 7 7 जा 49, और 49 का 9 लिखेंगे, पूरा 49 नहीं लिखेंगे, 9, 4 कैरी यहाँ चला जाएगा। फिर 7 6 जा 42 42 में 4 प्लस करेंगे तो 46, 4 कैरी यहाँ। 7 2 जा 14 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18, तो 186 किलोमीटर और 984 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 67 देखते हैं। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते थे ना, सेम उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा, तो 6 6 जा 36, तो 6 कितने बार में आया, तो 6 टाइम में, तो 6 यहाँ लिखेंगे और 36 नीचे। फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 में 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ये जो आंसर आएगा यहाँ पे वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ऐसे निकाल लेंगे सबको, तो ए और बी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का है। अब देखिए मीटर में, उधर सेंटीमीटर था मीटर में, तो इसको भी डिवाइड करते हैं, देखते हैं। अब 3 से 162 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ 1 डिजिट लेंगे तो 1 है, तो 3 से 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 2 डिजिट लेंगे, 16। अब देखेंगे 3 के टेबल में 16 कितनी टाइम्स में आता है, तो 3 5 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 3 6 18, 6 टाइम पढ़ रहे हैं तो 18 आ जा रहा है, कितना आ रहा है 18, तो जो कि 16 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए कितनी टाइम्स हम ले जाएंगे 5 टाइम्स, 3 5 15। अब 6 में से 5 क्या 1, 1 में से 1 क्या 0। अब इसको नोट करेंगे इसके जस्ट बगल में, हाँ। अब देखेंगे 3 के टेबल में 12, तो 3 4 जा 12, 12 लिख के माइनस कर देंगे, 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, ये जो हमारा आएगा 54 मीटर, ये हमारे आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका भी आप ए और बी, और इसका भी हम ए और बी सॉल्व करेंगे। तो ए हम बता देते हैं, इसका भी आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, अब इसमें देखिए किलोमीटर आ गया, उसी में डिवाइड उसी तरह करेंगे, तो 8 यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे 7, तो 8 से 7 जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट लेंगे 72। अब देखेंगे 8 के टेबल में 72 कितने मिनट में आता है, तो 8 9 जा 72 यहाँ लिख देंगे, 2 मिस्टू गया 0, 7 7 गया 0। अब क्या नोट करेंगे, 8, हाँ 8 नोट करेंगे। अब 8 के टेबल में 8, तो 8 1 जा 8, 8 में सेट गया 0, ये आपका 91 किलोमीटर आंसर आ गया। तो इस तरह थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ही। अब देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो पहले मीटर को डिवाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में किलोमीटर मीटर में है, तो पहले किलोमीटर को डिवाइड कर लेंगे, फिर मीटर को डिवाइड करेंगे। तो 4 का ये बता देते हैं और 5 का ये, आप लोग 4 का बी और 5 का बी सब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मीटर वाला सॉल्व करेंगे, तो 2 1 डिजिट है 1 डिजिट लेंगे, 2 के टेबल में 6, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में आया, यहाँ 6 लेंगे, कितनी बार में आया वो लिखते हैं, 6 में 6 गया 0। अब किसको नोट करेंगे, 2 को। अब देखेंगे 2 से 2 कितनी बार में, 1 बार में जाएगा, 2 मिस्टू गया 0। अब किसको नोट करेंगे, इसके बगल में 4 को, 4 कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, मीटर वाला सॉल्व हो गया। अब इसको यहाँ नीचे फिर नोट करेंगे, मीटर सेंटीमीटर, मीटर वाला तो हो गया, ये आपका आंसर मीटर में आ गया। अब सेंटीमीटर वाले को फिर ऐसे
बनाएंगे साइन ब्रैकेट डिवाइड का। अब यहाँ 78 नोट करेंगे। अब फिर इसको भी किससे डिवाइड करना है, टू ही से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए वन डिजिट लेंगे तो टू के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो कितनी बार हो जाएगा, 2 3 6, क्योंकि 2 4 8 हो जाता है, तो इसलिए कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में 7 में से सीख दिया 1। अब इसको नोट करेंगे तो 2 9 18, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अभी हमारा किस में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में। तो इस तरह पहले मीटर वाले को डिवाइड कर लेंगे, फिर एरो बना के यहाँ लिख के फिर उसी से सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे वाले नंबर को डिवाइड कर लेंगे। उसी तरह इसमें भी है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, लेकिन इसमें किलोमीटर मीटर में है, तो पहले किलोमीटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो वन डिजिट है तो वन डिजिट लेंगे तो 3 चला जाएगा, 2 1 जा 2 3 में से 2 गया 1। अब किसको नोट करेंगे, 6 को। अब ये कितना हो गया, 16, 2 के टेबल में 16, 2 8 जा 16, 6 में से गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये किलोमीटर का हो गया सॉल्व। फिर एरो ऐसे बनाएंगे, नीचे आएंगे, फिर ऐसे साइन बनाएंगे ब्रैकेट का, 718, और ये किसमें था, मीटर। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 ही से क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो 1 डिजिट लेंगे, फिर देखिए 7 है तो 3 बार में ही जाएगा, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1। अब किसको नोट करेंगे, 1 डिजिट 1 को, बगल वाले को। अब देखेंगे 11 है तो 2 का टेबल देखेंगे तो 2 के टेबल में तो 11 नहीं आता है, क्योंकि 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो अधिक बार तो जाएगा नहीं, जस्ट उसके पीछे 2 5 जा 10, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब क्या बचा, 8, 8 नोट कर लेंगे। अब 2 के टेबल में 1 और 18 हो गया, 2 के टेबल में 18, 2 9 जा 18, 8 में से गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में। तो इस तरह पहले किलोमीटर वाले को डिवाइड कर लेंगे, फिर एरो बना के किससे किसको डिवाइड कर लेंगे, मीटर वाले को डिवाइड करेंगे। तो ऐसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए बोट सेल्स 6 किलोमीटर 120 मीटर इन वन डे। एक बोट है जो 6 किलोमीटर 120 मीटर एक दिन में क्या करता है, वो जाता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 3 डेज, तो 3 डेज में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। लाइक बोट है, पानी वाला बोट है जो पानी में चलता है, जो एक दिन में कितने किलोमीटर तक जा सकता है, 6 किलोमीटर 120 मीटर तक क्या कर सकता है, एक दिन में जा सकता है। तो आपको बताना है कि वो 3 डेज में कितने डिस्टेंस जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेज का दिया है, 3 डेज का निकाला तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए किलोमीटर और मीटर, तो किलोमीटर और मीटर का पहले सबसे पहले यहाँ कॉलम बना लेंगे, नीचे यहाँ सॉल्व करके हम बताते हैं। अब कितने, 6 किलोमीटर 120 मीटर, और कितने डेज दिए हैं, 3 डेज, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि वो 3 डेज में कितने डिस्टेंस जाएगा। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसका इसमें 3 6 जा 18, तो 3 डेज में कितने किलोमीटर कितने मीटर जाएगा, तो 18 किलोमीटर 360 मीटर तक वो क्या करेगा, बोट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज यूज फॉर वन शर्ट, मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर क्लॉथ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, जिससे केवल एक शर्ट क्या बन सकता है, इतने मीटर इतने सेंटीमीटर क्लॉथ से केवल एक शर्ट क्या हो सकता है, बन सकता है। तो व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी यूज फॉर 2 शर्ट, तो 2 शर्ट बनाने के लिए कितने हमको क्लॉथ की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस मीटर और सेंटीमीटर का ऐसे कॉलम बनाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा मीटर और सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 शर्ट बनाने के लिए कितना लगेगा। 3 शर्ट पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 शर्ट पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए रिबन इज 7 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रिबन है
जो इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 3 such ribbon ऑल टुगेदर, और इसी तरह और 3 ribbon होंगे तो उसका लेंथ कितना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भी मीटर और तो मीटर 7 meter 25 meter कितने रिबन का पूछा, 3 ribbon से, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 runners ऑल टुगेदर रन 3 kilometer 60 meter। रनर उसको बोलते हैं जो धावक को, दौड़ने वाले को, रनर तीनों जो हैं मिलकर इतने किलोमीटर और इतने मीटर क्या करते हैं, तीनों दौड़ते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम रन इक्वल डिस्टेंस, और सभी इक्वल डिस्टेंस वाला बराबर बराबर ही दूरी तक क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं जो तीनों रनर हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट ईच रन, तो एक का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकालना है। अब देखिए ज़्यादा का दिया है और एक का पूछ रहा था, अभी तक हम लोगों ने एक का दिया था और ज़्यादा का पूछ रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ ज़्यादा का दिया और एक का पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने से डिवाइड करेंगे, तो 3 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक रनर का हमको पता चल जाएगा डिस्टेंस कि वो कितने किलोमीटर तक और मीटर तक क्या किया है, दौड़ा है। इसे कॉलम बना लेंगे किलोमीटर मीटर का, और 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1 बार में जाएगा 0। अब इसको एरो बना के जैसे बताए थे अभी डिवाइड में 60, और ये मीटर है तो मीटर का फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 1 3 3 3 2 6, अब 0 बचा तो 3 0 0 0 0 से 0 चला गया। तो एक रनर है जो 1 kilometer और 20 meter तक क्या करेगा, वो दौड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।